मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, कल हमने फूड के बारे में पढ़ा था और यह जाना था कि फूड जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ना? जैसे प्लांट से और एनिमल्स। वेरी गुड। तो हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वहाँ से हमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खाने को मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, है ना? ये सब हमने पढ़ा था। तो बेटा, हम आज पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में तो हम कल पढ़ चुके थे, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, है ना? जो एनिमल है वो हमारा एक सेकेंड सोर्स है, एक दूसरा स्रोत है जिससे हमें खाना मिलता है। पहला क्या था? प्लांट्स, है ना, पेड़ पौधे। और दूसरा है हमारा एनिमल। ठीक है, तो एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं ये हम आज पढ़ेंगे, है ना? एनिमल्स, ठीक है। तो बताइए बच्चों, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? बताइए हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। चलिए वन बाय वन हम जानेंगे कि हमें एनिमल से क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मिल्क, है ना? वेरी गुड। मिल्क हमें मिलता है, और क्या मिलता है हमें? हमें एग्स मिलते हैं, है ना, अंडे मिलते हैं। वेरी गुड। और क्या मिलता है हमें? फिश, है ना, फिश। और क्या चीजें हैं? चिकन, हनी, है ना, खाने की वो चीजें जो हमें एनिमल से मिलती हैं, वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जो कि हमें सारी चीजें एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? मिल्क, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। कौन देता है मिल्क? काउ, गोट। वेरी गुड। ठीक है, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? हनी, है ना। हनी हमें कहाँ से मिलता है? शहद, हनी बी। हनी बी से हमें शहद मिलता है। और ये क्या है? ये है आपका बटर। ये बटर जो कि किससे बना है? मिल्क से बना है। ठीक है, तो मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिल रहा है, और उस मिल्क से और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों, जो हमारी ये सारी चीजें हैं, चाहे वो हमें एनिमल से मिलती है, चाहे वो हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है, तो वो सारी ही चीजें हमारे लिए क्या होती हैं? हेल्दी होती हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब हम थोड़ा सा जानेंगे खाना जो है हम एक दिन में कितनी बार खाते हैं, बताइए। 3 टाइम, है ना, हम एक दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। कौन कौन से टाइम? सबसे पहले सुबह हम क्या करते हैं? नाश्ता, है ना, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? लंच, जो कि हम दिन में खाना खाते हैं, और रात में, इवनिंग में जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिनर, है ना। वो तीन ये मील है, तीन ये ऐसे खाना है जो कि हमें हमें जरूर ही खाना चाहिए, कोई भी खाने को, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो दिन का लंच हो, चाहे वो रात का डिनर हो, हमें इसे स्किप नहीं करना चाहिए, हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें तीनों ही टाइम खाने को खाना
खाना चाहिए, तो ही हमारे में जो है वो एक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो मील ऑफ द डे, मील ऑफ द डे जो हमारा एक दिन की जो मील है वो कौन कौन सा है, मील ऑफ द डे, मील ऑफ द डे, ठीक है, मील ऑफ द डे, तीन मील है जो कि हम खाते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि हम नाश्ता बोलते हैं जो हम सुबह करते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट, पहला है हमारा ब्रेकफास्ट, दूसरा क्या है हमारा लंच, है ना, जो कि हम दिन में करते हैं लंच, और तीसरा है हमारा डिनर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हम रात में करते हैं। ये तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें हर टाइम खानी चाहिए। चलिए अब कुछ बातें हम कर लेते हैं आपकी गुड फूड हैबिट्स की, कि आपको जो खाना है वो एक तो तीनों टाइम खाना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। दूसरी चीज, हमेशा ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग अ मील। आप कोई भी खाना खा रहे, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को वॉश करना है, अपने हाथों को धोना है। और दूसरी चीज, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा आपको फ्रेश खाना ही खाना है, ताज़ा खाना ही खाना है। ठीक है, थर्ड क्या है, यू हैव टू च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली। आपको अपने खाने को आराम से अच्छे से चबाकर खाना है, ठीक है, और नेवर वेस्ट योर फूड, आपको अपने खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करना है, जितना मन हो उतना ही खाना लेना है या मांगना है, ठीक है। और क्या है, और है आपको प्लेंटी ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो खाना पीना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों, ये तो हुई हमारी कुछ गुड हैबिट्स जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चे, अब आपके लिए कुछ एग्जाम, कुछ होमवर्क है जो कि आपको करके लाना है। आपका होमवर्क है कि आपको क्या करके लाएंगे, आप करके लाएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको पांच चीजें जो है वो ढूंढ के लानी है जो कि हमें मिल्क से मिलती है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट, नेम फाइव थिंग्स, नेम फाइव थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम मिल्क, विच वी, ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम, वी आर विच वी मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मेड अप ऑफ, मेड आउट ऑफ मिल्क, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि हम मिल्क से बनाते हैं, वो पांच चीजें आपको ढूंढ के लानी है, मेड आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।